अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज का दिन मेरी मास्टर्स की डिग्री का दूसरा दिन है। मेरी बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी और मेरी कुछ दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज के दिन उन सब से भी मुलाकात हुई और हमने जो है वो काफ़ी टाइम बाद मिले और बहुत सारी हमने आज मस्तियाँ की, बातें की। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको बहुत 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 ज़्यादा तंग करूँ, लेकिन मैं इनको तंग करने के लिए हल्का सा भी हाथ लगा रही थी ना, तो ये इस तरह से गिर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी छुट्टियों में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। मतलब यार कुड़ियों कुछ खा लो, ठीक है। हालतें इनकी इतनी ख़राब, मुझे तो सबको ऐसे लग देख के लग रहा था कि सब कमज़ोर हुई पड़ी हैं सिवाय मुझे छोड़ के। खैर, जब लड़कियाँ मिलती हैं तो फिर वो पिक्चर्स भी लेती हैं, तो दैट्स वाई हमने बहुत सारी पिक्चर्स लीं, बहुत सारी फजूल हरकतें करी, एंड एट दी एंड हम इन्हीं फजूल हरकतों को याद करके जो है वो हम खुश होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आयशा जो है वो कुछ फ्लावर्स जो है वो कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि हमारा एक प्रैक्टिकल वर्क है। यहाँ पे इसने बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल जो है वो तोड़ा था और इसने फिर उस गुलाब के फूल को बड़ी बेरहमी से जर्नल के अंदर बंद कर दिया, जिस पे मैंने इसको मना किया कि यार थोड़ी सी इज्जत दे दो इसको, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा फूल है, ऐसे मत करो इसके साथ। मैंने इसका जर्नल खोला और जर्नल खोलने के बाद मैंने गुलाब का फूल निकाला। मुझे गुलाब के फूलों से एक अलग किस्म की अट्रैक्शन है और मुझे गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम लोग माली अंकल से छुप के काम कर रहे थे, क्योंकि माली अंकल हमें अलाउ नहीं करते हैं फूल तोड़ना। ऑन दी अदर साइड इकरा और हफ्सा एक कुश्ती का मैच लड़ रहे थे। इन दोनों बीबियों का एक ही फील्ड में एडमिशन हो गया और इन्होंने पूरा साल साथ गुजारना है। अभी से ये हालात हैं तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा, एक दूसरे की जान ही ले लेंगे ये दोनों। इन सब चीज़ों के बाद हम पहुँचे अपने लैब में और मैं पर्सनली लैब को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा थी और मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जहाँ पर रोशनी ना बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे मुझे आज मिले बहुत ही प्यारे से फूल। मुझे यहाँ पे रेड कलर का रोज़ मिला, मुझे यहाँ पे पीच कलर का रोज़ मिला, मुझे पिंक कलर का रोज़ मिला, एंड दी मोस्ट ब्यूटीफुल रोज़ येलो कलर। येलो कलर इतना कोई प्यारा लग रहा था यार, मैं कहती हूँ अगर मुझे कोई बंदा एक फूल ला कर दे देना, मैं उससे अपने दिल का एक छोटू सा टुकड़ा दे दूँगी कि भाई ए ले संभाल कर। पता क्यों, लेकिन फूल मुझे बहुत पसंद है और जब जहाँ फूल होते हैं तो फिर वहाँ पे लड़कियों ने पिक्चर्स भी लेनी होती है और हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली। अगर आप मेरे पास इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ऐड हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे देखी होंगी, मैंने धमाल मचा दी पिक्चर से। इसके बाद आज हमारी सिर्फ एक क्लास हुई 2 घंटे की। सबसे पहले मिस ने हमें 1 घंटे तक पढ़ाया और उसके बाद मिस ने मेरी तरफ देख के बोला, बेटा आप लोग थके तो नहीं हैं? मैंने भी शोखियाँ मारते हुए कह दिया, नहीं जी मिस हम नहीं थके। तो मिस ने भी फिर मेरे कहने पे 1 घंटे मज़ीद पढ़ा दिया, तो आज मेरी वजह से मेरी क्लास की लड़कियों को 2 घंटे पढ़ना पड़ा। उसके बाद यहाँ से फारिग होकर हम पहुँचे केमिस्ट्री कैंटीन और यहाँ पे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी हमने ऑर्डर की इनकी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। फर्स्ट व्लॉग आपने मेरा देखा होगा, उसके अंदर जनाब KUBS की बिरयानी ट्राई की थी जो कि 0 थी, लेकिन केमिस्ट्री की बिरयानी जो है ना यार बहुत मज़े की थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर आपको ज़मीनी मखलूक को भी थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तंग बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़मीनी मखलूक के साथ साथ आपको खलाई मखलूक जो है उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, जिनमें कवों के साथ साथ चीलें भी मौजूद हैं। जी हाँ जी, और यही एक सीन आज हमारे साथ हुआ कि मेरे टिफ़िन के अंदर एक पीस पड़ा हुआ था चिकन का, जो कि वो चील लेके चली गई और उसने बकायदा मेरे टिफ़िन में मुँह मारा और पूरी उसने डेस्क गंदा कर दिया था। ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको उसने सुकून से खाने नहीं दिया, तो ये चीज़ देख के मैं थोड़ा सा अजीब सा हो गई थी। भाई देखो, बिल्लियाँ बर्दाश्त हो जाएंगी, कुत्ते बर्दाश्त हो जाएंगे, ये जो चीलों वाला सीन है ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता। मतलब आप खुद इमेजिन करें, उसका मुझे पर लगा था और मैं बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी खेल के आज मैंने बिरयानी खाई है, लेकिन मैंने खाई है फिर भी छोड़ा नहीं मैंने। जाते हुए घर पे वॉल्स के ये नज़र आ गया था मुझे, जो भी कहते हैं रेडी वगैरह, और यहाँ से मैंने जेट स्पॉट ले ली। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।